आइए आपको खानवाल लिए चलेंगे जहां अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक मीडिया से बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा हुकूमत के 100 दिन पूरे हो गए हैं और उनको शुक्र अदा करना चाहिए और उनको खुद ही अपने अदाओं पर गौर करना चाहिए कि आज वो भी लोगों से पूछते हैं, सहाबी भी पूछते हैं। इसका मतलब यही है कि कोई एक काम भी ऐसा नजर नहीं आता है, एक काम भी ऐसा नहीं है जो खुद लोगों को बता सके। ऐलान हुआ था कि हम 100 दिन का जायजा पेश करेंगे, कारनामे लोगों को बताएंगे, लेकिन ये जो 100 दिन मुकर्रर किए हैं ये अपोजिशन की तरफ से नहीं थे, ये खुद हुकूमत ने अपने लिए एक पैमाना बनाया था और खुद ही अखबारात के मदीरान को बुलाकर जनाब वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया था कि 100 दिन के बाद आप तनकीद कर सकते हैं, हमें सिर्फ 100 दिन दे दें। तो 100 दिन में मेरे नज़र में एक ही तब्दीली आई है और वो ये कि कीमतों में तब्दीली आई है, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगे हो गई है और हमारी रुपया की जो कदर है और इज्जत है उसमें कमी आई है और डॉलर ऊपर उड़ा है और हमारा रुपया बिल्कुल ज़मीन पे आया है। तो मैं समझता हूँ कि यूँ लगता है कि इस हुकूमत के साथ कोई होमवर्क नहीं है, तैयारी के बगैर आगे जा रही है। और वो किसी शायर ने कहा है कि मंजिल नहीं मालूम मगर जा रहा हूँ।